दुर्ग जिले में उस वक्त सनसनी फैल गई जब कुम्हारी से लगे गांव अकोला की सब्जी फार्म हाउस में चार लोगों की जघन्य हत्या की सूचना पुलिस को मिली। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंच इस जघन्य हत्या के कारणों की जांच में जुट गए। गौरतलब है कि ग्राम अकोला की सब्जी फार्म हाउस में दो बच्चों के साथ पति पत्नी इस सब्जी बाड़ी की देखरेख करते थे, जिससे अपने जीवन का निर्वहन करते थे। 28 तारीख की रात अज्ञात हत्यारों ने उनके सब्जी बाड़ी में धावा बोला और एक एक कर कुल्हाड़ी से मारकर दो बच्चों और पति पत्नी की हत्या कर दी। पुलिस की प्रारंभिक जांच में इस वारदात को हत्यारों के द्वारा पूरी सोची साजी साजिश के तहत अंजाम दिया कहा जा रहा है। इस मामले में दुर्ग पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने बताया कि हत्या के सभी पहलुओं पर ध्यान देते हुए जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करने की बात कही है। कुम्हारी थाना क्षेत्र में निर्मम हत्याकांड में एक परिवार के चार लोगों की हत्या की गई। इसमें कि पहले पुरुष की हत्या की गई, उसके बाद महिला की हत्या की गई, फिर दो बच्चों की हत्या की गई। कुल्हाड़ी से मार के हत्या की गई, कुल्हाड़ी को रिकवर किया गया है। संभवतः रात के 10 बजे के बाद हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। उनके मोबाइल जब्त किए गए हैं, मरने वाले पुरुष के महिला के कॉल डिटेल्स निकाले जा रहे हैं। फाइबर टीम आई है, फोरेंसिक टीम आई है, कुछ बायोलॉजिकल एविडेंस फिजिकल एविडेंस मिले हैं, उसको रिकवर किया गया है। सीसीटीवी फुटेज भी जब्त किया गया है। यहाँ से 500 मीटर दूर रोड पे एक सीसीटीवी है। फोन डिटेल सीसीटीवी से को मैच कराया जा रहा है। हमें उम्मीद है कि शाम तक कुछ खुलासा होना संभव है। क्या लग रहा है अभी पुलिस हर एंगल पे काम कर रही है, क्योंकि उनका लॉक अलमीरा टूटा हुआ था, लेकिन ज़रा पैसे नहीं रखते थे, 10-15 हज़ार रुपये ही रखते थे। 15 हज़ार के लिए इतने चार लोगों की हत्या करना थोड़ा अनलाइकली लग रहा है। उनकी आपसी रंजिश, पारिवारिक रंजिश हो सकती है कि कोई और एंगल हो सकता है। हर एंगल में पुलिस अभी काम कर रही है। अभी पहला काम ने किया है कि सीन ऑफ क्राइम को सीज किया है, जब्त किया है, अंदर लोगों को जाने से रोका है, सारे बायोलॉजिकल फिजिकल एविडेंस को अपलिफ्ट किया है, पंचनामा हो रहा है। जैसे CDR और बाकी मोबाइल जाँच की रिपोर्ट्स भी आएंगी तो सभी तारों को आपस में जोड़ा जाएगा। थैंक यू।